अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे यूपी स्टाइल चने की घाटी। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 3 कप मैदा, इसको हमने छान लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटे चम्मच अजवाइन, इसको इस तरीके से हाथों से क्रश कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच नमक। अब नमक और अजवाइन को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। आटा हमें जो तैयार करना है वो बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। तो देखिए हमारा डो तैयार है। अब हम इस पे तेल लगा देंगे और इसको 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक मिक्सर ग्राइंडर लेना है, इसमें डाल देंगे 1 कप भुना चना और इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। देखिए फाइन पाउडर बन के तैयार है इसका। अब एक बोल में हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। साथ में हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज और 5 से 6 हरी मिर्चियाँ जिसको हमने कट कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। और यहाँ पर यूज करेंगे हम अचार का तेल। यहाँ पे हम आम के अचार का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जो भी खट्टा अचार आपके पास मौजूद हो उसका तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच अचार भी, इसके हमने बीज निकाल लिया जो गुठलियाँ होती हैं और उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको इसकी बाइंडिंग कम लग रही है तो थोड़ा सा तेल आप और ऐड कर सकते हैं। तो हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। चलिए हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपने आटे में से एक छोटा सा पेड़ा बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इस पे फ्लावर डस्ट करने के बाद इसको दोनों हाथों की मदद से किनारों पर पतला करते जाएंगे और इस तरीके से एक गड्ढा टाइप बना लेंगे। फिर इसके बीच में हम अपने चने की फिलिंग को रख देंगे और इस तरीके से प्रेस कर देंगे। इसको दोनों हाथों की मदद से फोल्ड करते जाना है इस तरीके से, इसका मुंह पकड़ के। देखिए अब जो एक्सेस रहेगा वो हम इसको निकाल देंगे, इसको एक बार वापस से रोल कर लेंगे। देखिए हमारी घाटी कितनी अच्छी बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम वापस से बना लेंगे सारी घाटी को, किनारों से पतला कर देंगे। 1 चम्मच स्टफिंग रखेंगे, इसको वापस से बंद कर देंगे। घाटी बनाना बहुत ही आसान है और ये बनकर भी बहुत अच्छी तैयार होती है, तो आप भी ज़रूर इसको बनाकर ट्राई करना। देखिए सारी घाटी को हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। अब चलिए हम इनको फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, अब इसकी आंच को स्लो कर देंगे और इसमें एक एक करके सारी घाटी को हम डाल देंगे। शुरुआत में इसको चलाना नहीं है, ये खुद ब खुद जब इस तरीके से पकने लगकर ऊपर आने लगेगी तब हम इसको धीरे धीरे हाथ से चलाते रहेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। देखिए इस पर कितने अच्छे से क्रैक्स भी आ गए। अगर इस तरीके से आपकी घाटी पर क्रैक्स आते हैं
तो मतलब आपकी घाटी अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब सारी घाटी को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए कितनी आसानी से हमने घाटी को बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप भी ज़रूर इसको बनाकर ट्राई करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।